पुरानी टी शर्ट ठीक से फिट नहीं होती या फिर जीन्स टाइट होने लगे हैं, ये तो होती है हमारी डेली स्ट्रेस की वजह। आपके इसी स्ट्रेस को दूर करने मैं विशाल मल्होत्रा आपके लिए लाया हूं एक ऐसा शो जो वेट लॉस और हेल्दी लिविंग को आपके लाइफ का हिस्सा बना देगा। और ये डोज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस आपको देगी पावर न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा, जिनकी बेस्ट सेलिंग बुक ईट डिलीट के जरिए वील ईट आवर वे टू फिटनेस एंड हैप्पीनेस। आज हम डिस्कस करेंगे विल पावर और डाइटिंग के रिलेशनशिप को, बट फर्स्ट लेट्स वेलकम द स्टार ऑफ द शो पूजा मखीजा। थैंक यू पूजा। मैं आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैजिक वॉन्ड है आपके पास और छूते ही घुमाते ही उनका वेट लॉस हो जाएगा, वो हेल्दी हो जाएंगे। What do you have to say to that? है और अच्छा? उसके साथ थोड़ा पिक्सी डस्ट स्प्रिंकल करते ही आप पतले एंजल ना, काश इफ ओनली। बट वेट लॉस इतना भी मुश्किल नहीं है। लूजिंग वेट है डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम राइट तरीके से राइट एफर्ट डालेंगे तो राइट रिजल्ट्स। हाँ, एज ऑलवेज। ऑलराइट, सो इट्स नॉट दैट हमें वेट लॉस में इतना स्ट्रेस डालना चाहिए। आपको वो ही लर्न करना है कि लूजिंग वेट हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है हेल्दी होना। बिल्कुल। हमारा फोकस है माइंड में हैप्पी रहना। बिल्कुल। हम अपना जर्नी क्रॉस करके वापस मिलेंगे इज व्हाट वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग ऑरसेल्फ्स। दैट्स सो ब्यूटीफुली सेड कि आप अपना जर्नी क्रॉस करके समोसों से वड़ा पाव से वापस मिलेंगे। हाँ जी, जब आप वो स्केल पे हर महीने 2 किलो 3 किलो 2 किलो 4 किलो घटते देखेंगे, आपको कोई वड़ा पाव या पिज्जा अट्रैक्ट वो खुशी नहीं देगा जितनी खुशी वो स्केल आपको देगा। तो दैट इन इटसेल्फ इज मोटिवेशन टू नॉट गिव अप। तो हमने सीखा है कि से नो टू बैड फूड एंड से यस टू गुड फूड, पर इस गुड और बैड में फर्क कैसे पता चलेगा, ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। इसलिए हम आपको बताएंगे ऐसे फूड आइटम्स जो मजे से खाए भी जा सकते हैं एक हफ्ते में कई बार, और कई ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, और कुछ ऐसे आइटम्स जिन्हें महीने में एक बार से ज्यादा खाना आपके सेहत के लिए इतना ठीक नहीं है। हैव अ लुक। इडली। इडलीज आर स्टीम्ड राइस केक्स जो कार्ब्स में रिच हैं। ये आप हर हफ्ते खा सकते हैं। मल्टीग्रेन सैंडविच में हाई फाइबर होता है, इसे आप बेफिक्र खाइए वंस इन अ फॉर्टनाइट। पाव भाजी में कुक्ड एंड मैश्ड वेजिटेबल्स के साथ सर्व करते हैं बटर्ड पाव, सो इंडल्ज इन दिस बट ओकेजनली। पूजा, अक्सर हम अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि हमारा डाइट बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन हमने सुबह सुबह गलती से मिस्टेक कर दी यानी कि बाय मिस्टेक हमने चाय में शक्कर पी ली या ऐसा कुछ, और हम समझते हैं कि चलो आज गलती कर ही ली है तो पूरे दिन ही गलतियां करते रहते हैं। ये क्या होता है, आई मीन इससे कैसे बचना चाहिए और क्या ये करेक्ट है? हर इंसान गलती करेगा, बट द पॉइंट हियर इज अगर हमने एक गलती कर दी हम वहीं पे उसको पिकअप करके सुधार दें, ऐसा ना करें कि जो बाकी के पूरे दिन में गलती पे गलती एड ऑन करते रहे। अच्छा, अब जबरदस्ती मैं बोलूंगी ठीक है मारी बिस्किट के बदले चीज क्रीम वाला बिस्किट दे दे, मक्खन पे ब्रेड पे मक्खन भी लगा दे, फिर आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, लड्डू खा रहे मेरे को भी एक बाइट दे दे। नो, पिक अप वेयर यू वेंट रॉन्ग, यू टर्न, बी गुड, बी बेटर द रेस्ट ऑफ द डे। दैट्स द वे टू सक्सेसफुल वेट लॉस। सभी गलतियां करते हैं, Don't kill yourself over it. Rectify it. हमारे पास एक ऐसे व्यूअर हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उनके लिए। तो सवाल ये है, पूजा मुझे काफी लोगों ने कहा है रोटी और चावल साथ में नहीं खाना चाहिए, पर वो दोनों भी साथ में खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, so what do I do for that? Enjoy. Absolutely no reason why you should not. रोटी, राइस, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, पोहा, उपमा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। वेदर आपने एक 1+1 करके 2 किया या 2 को साथ में खाया, आपकी बॉडी को उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक पॉइंट है, अगर मैं रोटी और राइस दोनों खाना चाहती हूँ तो मैं दोनों के थोड़े थोड़े क्वांटिटीज लूंगी। से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रोटी खाती थी तो मैं 3 रोटियां खाऊंगी, लेकिन अब चावल भी ऐड कर रही हूँ तो 2 रोटी 1 कटोरी चावल खा लूंगी। सिंपल, एंजॉय। फैंटास्टिक, एंजॉय। सुबुजा, अब वक्त आ गया है ईट या डिलीट सेक्शन। Alright, आप तो जानते हैं कि पूजा के बुक का नाम है Eat Delete. The question is, water after a meal, eat or delete?
एनी लिक्विड्स मस्ट ऑलवेज बी हैड बिफोर सॉलिड्स. तो अगर आपको पानी पीना है तो खाने के पहले लीजिए या तो एटलीस्ट 45 मिनट्स उसके बाद. दिस इंक्लूड्स द सेम फॉर छाछ, ग्रीन टी. लोग समझते हैं मैं खाने के बाद ग्रीन टी पी लूंगा तो सारा फैट मेल्ट हो जाएगा और मैं पतला हो जाऊंगा, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू. एनी लिक्विड्स आपके खाने को डाइल्यूट कर देंगे, जो सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा और हमारे एंजाइम्स जो ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं उनको ज्यादा काम लगेगा. सो एंजॉय योर ग्लास ऑफ वाटर प्री मील्स, छाछ प्री लंच, नॉट पोस्ट. So Pooja, what should our viewers take away from today's episode? हमें अपने आप को ये सिखाना है कि ये नो हमेशा के लिए नहीं है. It is not no, it's going to be coming back soon. तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी जेली या कस्टर्ड या रसगुल्ले आइसक्रीम नहीं खाने वाली हूँ. It is just temporarily something that I don't want. It's not a no because from the diet. It's no because I want to lose the weight and I don't want to feel that मैंने अपना डाइट फॉलो नहीं किया. इसीलिए थिंक अबाउट इट एज नॉट अ नो बट इट इज अलाउड, अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद. पूजा मखीजा की मदद के साथ आज के लिए आपका फैट टू फिट का सफर पूरा हुआ. लेकिन हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपकी फूड इंसाइक्लोपीडिया बनकर हम लौटेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड टू द पूजा मखीजा शो.